युवा कांग्रेस स्थापना के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर भी ध्वजारोहण और वृक्षारोपण किया गया। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस झंडा वंदन और वृक्षारोपण करके मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो लगातार युवाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय की लड़ाई लड़ता आया है और आने वाले समय में भी युवाओं, दलित, आदिवासी और महिलाओं पर यदि कोई अत्याचार होगा तो युवा कांग्रेस उनके लिए सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ता रहेगा। आज यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस है। जैसा कि हम सभी को पता है, यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो लगातार पूरे देश में युवाओं के खिलाफ हो रहे हर अत्याचार के खिलाफ यूथ कांग्रेस लड़ता है। और आज से नहीं, इस संगठन की बुनियादी युवाओं की लड़ाई को लड़ने से शुरू हुई है और लगातार यूथ कांग्रेस देश प्रदेश में अगर कहीं भी कोई ऐसी आपदा आती है, कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है जहाँ महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, युवाओं के साथ गलत हो रहा है, किसी भी समाज में रहने वाले दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, किसी के साथ भी कहीं कुछ गलत होता है तो यूथ कांग्रेस रोडों पर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। आज यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस है जिसको हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन करके मिठाई बांट कर यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया है। और ये सिर्फ आज यहाँ मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में ही नहीं, पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस के जहाँ जहाँ भी ब्लॉक स्तर तक ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन सब ने अपने अपने ब्लॉकों में भी इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।